और जैसा कि फ्रेंड आप ये देख रहे हो, ये ब्लैक कोबरा जो कि जहरीला सांप होता है, हम इसके जैसे ही नज़दीक जाएंगे वो वैसे ही काटने की सोचेगा, क्योंकि ये सांप बहुत खतरनाक सांप होता है और जहरीला सांप होता है। जैसे मैं इसके नज़दीक जाऊंगा, जो कि आप देख सकते हो, ये मुझे बाइट करने की करेगा, देख सकते हो जैसे कि ये मुझे बाइट करी। तो जैसे यही दिखाना चाहते हैं हम, तो इसके जैसे हम नज़दीक जाएंगे वो काटने की कोशिश करेगा, तो आप इसे पकड़ने की कोशिश नहीं करें। और ये जहरीला सांप होता है, इसके काटने से इंसान की जान चली जाती है। उसका रीज़न यह रहता है कि इसका जहर जो कि 2 से 3 घंटे में इंसान को ख़त्म कर देता है। आपको 3 घंटे का समय मिलता है, जहाँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हॉस्पिटल जाएं, वहीं से आपकी जान बचेगी। अगर झाड़ फूक देसी इलाज के चक्कर में रहोगे तो जान गवा दोगी। ये सांप इसी प्रकार से अटैक करते हैं, जिस तरह हम इसके नज़दीक जाएंगे या उसे छेड़छाड़ करेंगे ये सांप काट लेगा। तो आप बिल्कुल भी सांप के नज़दीक ना जाइए और सांप से छेड़छाड़ ना करें, ठीक है फ्रेंड। आप सांप अगर निकलता है तो आप स्नेक सर्वर को कॉल कीजिए, वो सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। जैसा कि मैं सांप को रेस्क्यू करने के लिए जाता हूँ, तो लगभग मेरे गांव से 100 किलोमीटर तक हम सांप को रेस्क्यू करने के लिए चले जाते हैं। जैसा कि आप सांप के बारे में छोटी सी जानकारी दे रखी है, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और मैं कहाँ रहता हूँ वो भी मैंने इस वीडियो में ही बताया है। तो फ्रेंड, मुझे काफ़ी बार पूछा गया था कि आप कहाँ पर रहते हो, तो मैं जो कि MP का रहने वाला हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट धार लगता, जो कि ज़िला हमारा है धार है, और तहसील हमारी सरदारपुर लगती है, और सरदारपुर से ओनली 10 किलोमीटर पे मेरा गांव जो कि रूपाखेड़ा गांव है, रूपाखेड़ा जोलाना के पास में रहता हूँ। तो फ्रेंड, कहीं पे भी सांप वगैरह निकलता तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, और मेरी वीडियो अगर आपको देखनी है तो यूट्यूब पर सर्च करें सर्पमित्र जीवन सिंह स्नेक सेवर करके, मेरी वीडियो आपको वहीं से मिल जाएगी। क्यों, हमारा काम है सांपों को इंसान उससे बचाना और इंसानों को सांप से बचाना। और हमारी रेस्क्यू की वीडियो आप जरूर देखें, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि फ्रेंड, वीडियो बनाने का मकसद ये रहता है हमारा कि लोग अंधविश्वास में ज़्यादातर जीते हैं, जैसे कि झाड़ फूक देसी इलाज करवाने चले जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए हम सांपों की वीडियो बनाते हैं ताकि लोग अंधविश्वास से बचें, इसीलिए हम सांपों की वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों को जानकारी हो सके, और रेस्क्यू की वीडियो भी जरूर देखें और आपका भी मनोरंजन हो जाए और आपको जानकारी मिल सके, क्योंकि अपने भारत देश में हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है सांप के काटने से, और वही अंधविश्वास दूर करने के लिए हम सांपों की वीडियो आपके जरिए लेके आते हैं, ताकि आप देखें और जानकारी लें, और आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो पसंद करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।